पवन सिंह ने मन बना लिया है कि जब तक उनके फिल्मों की शूटिंग नहीं शुरू होगी तब तक वो इसी तरह से अपने फैंस का एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। वैसे भी पवन सिंह अपने फैंस के बारे में इतना जानते हैं कि उनके फैंस उनके डाई हार्ट फैन हैं। खैर, हम बातों को इधर उधर नहीं घुमाएंगे, आपको बताएंगे राजा जी धीरे धीरे के बारे में। जी हाँ, ये गाना है, एक लोकगीत है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ये गाना अंतरा सिंह प्रियंका ने गाया है और अब पवन सिंह गा रहे हैं। जी हाँ, लोकगीत आप सभी जानते हैं कि कोई भी गा सकता है, तो अब पवन सिंह की आवाज़ में ये गाना आप सुनेंगे, लेकिन बोल थोड़े अलग होंगे। जी हाँ, अंतरा सिंह प्रियंका को आप जानते ही हैं कि किस तरह के बोल के साथ वो गाना गाती हैं, लेकिन पवन सिंह अपने हर एक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो पवन सिंह जल्द ही एक गाना लेकर आएंगे, उसका नाम होगा राजा जी धीरे धीरे। उसके राइटर होंगे अरुण बिहारी। अरुण बिहारी के साथ पवन सिंह की काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, दोनों ने काफ़ी हिट सॉन्ग एक साथ दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये गाना जल्द ही ऑडियो रिलीज होगा इसका, फिर यार 75 का वीडियो रिलीज होगा, और इस गाने का जो ऑडियो रिलीज होगा उसके थंबनेल पर आप देख रहे होंगे कि काजल राघवानी की फ़ोटो है। और हो सकता है जैसे ही यार 75 का वीडियो शूट हो उसी के साथ इस गाने का, राजा जी धीरे धीरे गाने का भी वीडियो शूट हो। वैसे सुनने में आ रहा है कि काजल राघवानी हो सकता है बिहार आ जाए। जिस तरह से उनके अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट देखेंगे तो आपको पता जाएगा कि काजल राघवानी कहीं जाने की तैयारी में है, और काजल राघवानी हो सकता है बिहार आए और गानों की शूटिंग कर चली जाए, जिस तरह से रानी चटर्जी ने किया था साड़ी पर का फोटो का और बोलबम के इस एक गाने का। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन पवन सिंह ने इस लॉकडाउन में महसूस नहीं होने दिया अपने फैंस को। खैर, चाहे जो भी हो, पवन सिंह ने इस पूरे लॉकडाउन में अपने फैंस को बांधे रखा और अपने गानों से सनसनी मचाते रहे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।